Welcome to Affinity Digital. Myself Vibhuti Mishra. बच्चों आज का जो टॉपिक होगा ये होगा टॉर्क। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करेंगे। सो टॉर्क क्या होता है, तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है। अगर किसी भी बॉडी पे हम फोर्स लगाएंगे और बॉडी का रोटेशन हो जाए तो वहाँ पे टॉर्क बन रहा होता है। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क, सो टॉर्क इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का रोटेशनल इफेक्ट होता है। और अगर किसी बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट अगर घूमा है तो वहाँ पे टॉर्क बनता है। जैसे सपोज एग्जांपल, अगर हम दरवाज़ा को खोलते हैं तो वहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है। अगर हम किसी बोतल का ढक्कन खोलते हैं वहाँ पे टॉर्क जनरेट होता है। तो इन सभी केसेस में टॉर्क का प्रोडक्शन होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर कि जो ये टॉर्क जो बन रहा है ये बॉडी को किस तरह से घुमाएगा। सो लेट सपोज कि ये बॉडी जो है यहाँ पे फिक्स है। लेट सपोज ये बॉडी फिक्स है और इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, इस तरह से एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स के वजह से ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन इसका मतलब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के वजह से यहाँ पे टॉर्क बन रहा है, ठीक है। अब ये टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट होगा, तो ये जो आपको दिख रहा है एक्सिस, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है ना, ये होगा आपका एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये जो रॉड है ये घूमेगा, तो इस केस में टॉर्क बना। उसी तरह से देखेंगे हम लोग, लेट सपोज कि यहाँ पे अगेन एक रॉड अवेलेबल है, यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है लेट सपोज, और इस रॉड पे हम लोग इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब सवाल उठा क्या यहाँ भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा कि नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस फोर्स के वजह से कोई टॉर्क नहीं बनेगा। सो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, सो यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क जो है वह आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो रोटेशन, रोटेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब टॉर्क नहीं बना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, हम लोग इसको सीखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ओरिजिन, किसी पार्टिकल पे जब फोर्स लगेगा उस फोर्स के वजह से पार्टिकल का रोटेशन होगा तो टॉर्क बनेगा। अब उस टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो इसको समझते हैं। टॉपिक क्या हम लोगों का, टॉर्क ड्यू टू फोर्स अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क देखना है क्या होगा, ओरिजिन के अबाउट फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगा देखना है। सो लेट सपोज हम लोगों का जो पार्टिकल है, यहाँ पे एक पार्टिकल अवेलेबल है, लेट सपोज ये हो गया वाई एक्सिस एक्स, ये हो गया आपका ओरिजिन हो गया, ये एक पार्टिकल है। इस पार्टिकल पे लेट सपोज इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ये हो गया आपका फोर्स का डायरेक्शन, एफ इज द फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे मैथमेटिकली डिफाइन करना है इस फोर्स की वजह से इस पार्टिकल पे टॉर्क कितना लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पार्टिकल का पोजिशन वैक्टर यहाँ पे नोट करेंगे, मेजर करेंगे। तो ये हो गया पोजिशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल, लेट सपोज पोजिशन वैक्टर इज आर वैक्टर, पोजिशन वैक्टर, तो पार्टिकल का ये हो गया पोजिशन वैक्टर। अब यहाँ पे इस पार्टिकल पे टॉर्क कितना बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है, किसी भी पार्टिकल पे फोर्स के वजह से हमेशा टॉर्क कितना लगता है, आर क्रॉस एफ लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब कि यह जो टॉर्क है ये क्या हो गया आपका, एक
वेक्टर क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है टॉर्क, कंफर्म हो गया। ठीक है, अगर वेक्टर है तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर, यस, एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ, हम लोग ऐसे भी यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। अब इस टॉर्क को कैसे लिखना है, सो टॉर्क इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग आर एफ साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर, इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूला को लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए थीटा क्या आ गया, थीटा बताता है द एंगल बिटवीन द पोजिशन वैक्टर एंड फोर्स, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लिखेंगे थीटा क्या बता रहा है, एंगल बिटवीन पोजिशन वैक्टर एंड फोर्स, ये आपको एंगल बता रहा है, थीटा बता रहा है। अब इस थीटा को मेजर करने का तरीका क्या, देखिए यहाँ पे तो ये जो फोर्स, जिस लाइन पे फोर्स लगता है, जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं फिजिक्स में क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को फिजिक्स में यहाँ पर डिफाइन करेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया, जिस लाइन पे फोर्स लगे उसको आप क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आप बोलिएगा, है ना, ये हो गया पोजीशन वेक्टर। नाउ दिस एंगल शुड बी थीटा, ये जो एंगल होगी थीटा हो गया, एंगल इज थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर, एंगल हो गया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम लोग यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना लेंगे इस तरह से, और इसको डिफाइन करेंगे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या मीनिंग हो गया इसका, सो आर परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम ओरिजिन, ये इसका मीनिंग हो गया ओरिजिन से। फिर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हम लोगों को कहाँ से मेजर करना है, ओरिजिन से मेजर करना होता है। सो ये हो गया टॉर्क का वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला, फोर्स लगा पार्टिकल पे, उस पार्टिकल पर कितना टॉर्क होगा, सो आर एफ साइन थीटा इंटू एन कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले को स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे स्केलर फॉर्म में लिखने का तरीका है, सो स्केलर फॉर्म में हम लिखेंगे कि टॉर्क को कैसे लिखना है, सो लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ओनली इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, ये स्केलर फॉर्म हो गया। ठीक है, आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजिशन वैक्टर, एफ इज द फोर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजिशन वैक्टर। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग इन टू एफ साइन थीटा, अब इसका मीनिंग क्या होंगे, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे R into F perpendicular। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, टॉर्क क्या है, फिर से टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब यहां पे हम लोग को लिख लेना है, आप लोग भी लिख लीजिएगा, इसका मीनिंग क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू पोजिशन वैक्टर, इसका मीनिंग ये हो गया पोजिशन वैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद इसको और मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, तो कैसे लिखेंगे, सो टॉर्क इज इक्वल टू, यहां से आप लिखेंगे आर साइन थीटा इन टू एफ, ऐसे लिख दीजिए, सो टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इन टू एफ। सो नीट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही होता है, ज्यादातर आपको सवाल इसी पे मिलेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अगेन ये क्या है आपका, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो हमेशा हम लोगों को याद रखना है किसी भी फोर्स का टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाला जाता है। ठीक है, अब हम यहां से देखेंगे कि टॉर्क का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ टॉर्क क्या होगा, तो यहां से देख लीजिए फॉर्मूला, सो फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा, आर का यूनिट क्या होता है, तो आर का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन, साइन थीटा यूनिटलेस, इसका मतलब टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन, मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा टॉर्क का मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, इन स्केलर फॉर्म।
अब इसको आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अगेन इस फिगर में देखेंगे कि जो फोर्स लगा उस फोर्स की वजह से कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है टॉर्क के लिए, है ना। फोर्स एफ लगा ना, इसका कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा। तो देखिए इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, फोर्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एफ पैरेलल। यहां से लिखेंगे एफ कॉस थीटा, ऐसे लिख दीजिए। और इसी फोर्स का अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसको हम डिफाइन करते हैं एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सा कंपोनेंट है जिसके वजह से टॉर्क बना किसी पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट बना। तो फॉर्मूला में देखिए क्या इन्वॉल्व है, फॉर्मूला में इन्वॉल्व है एफ साइन थीटा। इसका मतलब इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क नहीं बनता है। किसके वजह से बना, ओनली द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पे ये भी सीखना है इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क क्यों नहीं बना, क्या रीजन है। तो यहां पे आप बोलेंगे ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स का, इस कंपोनेंट का लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास कर गया, ओरिजिन से पास कर गया है। तो अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास कर जाए या किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो वहां पे उस फोर्स की वजह से या कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क हमेशा जीरो बनता है। इसको आप नोट कीजिए, इसको याद रखिएगा। तो अब हम लोग यहां पे कुछ प्रैक्टिस करेंगे, एग्जांपल देखेंगे बेसिकली ऑन टॉर्क। सो देखिए सपोज अगर यहां पे एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन पे एक फोर्स लग गया एफ इज इक्वल टू 40 न्यूटन, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और ये डिस्टेंस अवेलेबल है 4 मीटर। तो यहां पे पूछा गया है कि टॉर्क क्या होगा, टॉर्क ड्यू टू फोर्स 40 न्यूटन अबाउट ओरिजिन के अबाउट, इस फोर्स की वजह से ओरिजिन के अबाउट टॉर्क क्या होगा। और ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से जो पार्टिकल है उसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, वो किधर घूमने का कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन वेक्टर बनाने का तरीका क्या, ये पोजीशन वेक्टर ये है, यस ये हो गया पोजीशन वेक्टर। सो हम जानते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा होता ना फॉर्मूला। क्या क्या अवेलेबल है, फोर्स दिया, फोर्स कितना है 40 न्यूटन लिखिए, पोजीशन फैक्टर कितना है 4 मीटर लिख दीजिए, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब कंफ्यूजन होता है कि हाउ टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड पोजीशन फैक्टर। तो यहां पर देखिए एंगल किसी वेक्टर के बीच में, किसी दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो आप हमेशा याद रखेंगे कि दोनों ही वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए, तो ये एंगल होता है, करेक्ट है। अगर इस तरह से अवेलेबल हो कि ये पोजीशन वेक्टर हो, ये फोर्स हो, तो ये एंगल अवेलेबल नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना, इसको याद नहीं रखना है। तो एंगल मेजरमेंट का तरीका क्या है, हम इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे पैरेलल टू इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेक्टर प्रॉपर्टी। तो ये एंगल बना, इसको हमको नोट करना है, यही तो एंगल होगा। तो यहाँ पे कैसे निकालना था एंगल, तो ये वेक्टर को यहाँ से उठाना है और यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, तो ये हो गया एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो इस टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, सो 4 × 40 × sin 30 degree विच इज इक्वल टू sin 30 degree। सो टॉर्क इज इक्वल टू 4 × 40 × ½, आफ्टर कैलकुलेशन टॉर्क इज 80 न्यूटन मीटर। तो ये हो गया टॉर्क का वैल्यू, हो गया इतना टॉर्क लग रहा है उस पार्टिकल पर। अब ये भी देखना है जो पार्टिकल पे टॉर्क लगा इसका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा होगा उस पार्टिकल का। तो देखिए डायरेक्शन निकालने का एक ही तरीका होता है, कौन सा तरीका होगा यहाँ पे, सो यहाँ पे जो तरीका होगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क निकालने का, इसको बोलेंगे राइट हैंड थंब रूल, इसको आपको फॉलो करना है, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताएगा कि आपको जो फिंगर है, जो फिंगर है, फिंगर को रखना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। जो राइट हैंड का फिंगर है, है ना, उसको रखना अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, ऐसे रख दीजिए।
ठीक है। और इस क्या करना है, उसके बाद आपको फिंगर को घुमाना है, फ्रॉम आर टू एफ घुमाना है। क्यों घुमाना है, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इसका मतलब राइट हैंड का फिंगर को आपको घुमाना होगा फ्रॉम आर टू एफ। तो इस तरह से यहाँ से इसको घुमा सकते हैं, घुमा दीजिए। इसका मतलब थंब का डायरेक्शन जो आएगा वह बताएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इस वाले केस में टॉर्क का डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा टॉर्क, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन इस तरह से हो रहा है ना, आर क्रॉस एफ, आर से एफ पे जाइए, थंब बाहर। थंब बाहर का मतलब क्या, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या हो गया आपका, डॉट हो गया, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा है, ये जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वजह से ये जो पार्टिकल है किधर घूमेगा, तो सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया सेंस ऑफ रोटेशन पार्टिकल का। जिस सेंस में फिंगर का रोटेशन होगा उसी सेंस में पार्टिकल आपका यहाँ पे रोटेशन करेगा, मतलब घूम सकता है, ठीक है। तो हमने सीखा हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क का डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फिर से आप याद रखेंगे इसको निकालने का एक ही तरीका, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, है ना। थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल पे अगर देखें हम लोग, लेट सपोज कि यहाँ पे पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, ये हो गया ओरिजिन, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है आपका 10 मीटर। तो इस केस में इस फोर्स के वजह से, इस केस में इस फोर्स के वजह से कितना टॉर्क लग रहा होगा अबाउट ओरिजिन निकालना है। सो व्हाट इज द टॉर्क ड्यू टू फोर्स अबाउट ओरिजिन। तो सबसे पहले हम इसका लाइन ऑफ एक्शन बना लेंगे। सो देखिए, तो इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास कर गया जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, यस। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे इस फोर्स की वजह से टॉर्क कितना बना, तो आंसर है 0 बन रहा है। क्यों 0 बना, क्योंकि फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास कर गया है आपका, ठीक है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा इज 0, यस, यही हो गया ना आपका पोजीशन वेक्टर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ये फोर्स होगा, दोनों के बीच एंगल कितना बना 0, इसका मतलब टॉर्क कितना हो गया, तो 0 हो गया। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि अगर फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट से पास कर जाए जिस पॉइंट के अबाउट हम लोगों को टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो चले नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे हम लोग अगेन टॉर्क का, इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल के केस में देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोजेक्टाइल पर किस तरह से टॉर्क लगता है। तो लेट सपोज यहाँ पे प्रोजेक्टाइल अवेलेबल है, लेट सपोज ए प्रोजेक्टाइल इज अवेलेबल, ए पार्टिकल इज थ्रोन विथ सम इनिशियल स्पीड एट सम एंगल, ये हो गया वाई एक्सिस ओरिजिन एक्स एक्सिस, लेट सपोज ए पार्टिकल इज थ्रोन लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है, थीटा एंगल पे थ्रो किया गया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, तो यहाँ पे देखिए एम अवेलेबल है, मास ऑफ पार्टिकल, एम क्या दिया हुआ है, पार्टिकल का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को फोकस करना है कि टॉर्क ड्यू टू एम जी, टॉर्क ड्यू टू एम जी अबाउट ओ, अबाउट ओरिजिन निकालना है। दो केसेस में निकालना है, कौन कौन सा, व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, अगर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो कितना होगा टॉर्क एम जी का ओरिजिन के अबाउट, एंड सेकेंड व्हेन पार्टिकल कोलाइड्स विथ ग्राउंड। दो केस में देखना है कि एम जी का टॉर्क क्या होगा। फिर से सुन लीजिए, किसी पार्टिकल को यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया गया है, तो इस पार्टिकल पे एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रोजेक्टाइल पे कितना टॉर्क लगेगा, पहला व्हेन प्रोजेक्टाइल इज एट मैक्सिमम हाइट, सेकेंड व्हेन प्रोजेक्टाइल कोलाइड्स विद द ग्राउंड। तो देखिए फर्स्ट केस हम लोग कंसिडर करेंगे, व्हेन पार्टिकल कोलाइड्स विद ग्राउंड, सेकेंड केस हो गया। तो फर्स्ट केस में देखिए व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, तो अगर पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे है
अगर पार्टिकल आपका मैक्सिमम हाइट पे है तो सबसे पहला काम हम लोग फॉर्मूला को रिकॉल करेंगे, थोड़ा याद रखने की कोशिश करेंगे. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क? टॉर्क होता है आर एफ साइन थीटा. अगेन टॉर्क इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इनटू एफ. रिकॉल कर लीजिए, थोड़ा सा याद रखना हम लोगों को. और टॉर्क इज इक्वल टू एफ परपेंडिकुलर इनटू आर, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, इस फॉर्मूले में क्या अवेलेबल है? फोर्स और फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम मैक्सिमम हाइट पे mg का डायरेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे. mg क्या होगा? डाउनवर्ड होगा, ऐसे बना दीजिए. ठीक है, अब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg तो यही होगा ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg इज अवेलेबल, ये हो गया. अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg है, इसका यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना होगा? तो ये रेंज के आधा होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये तो सिमेट्रिकल है ना. मैक्सिमम हाइट ये कितना है टोटल? ये है आर है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे जो टॉर्क होगा है ना, इज इक्वल टू एम जी फोर्स, है ना. ये हो गया एम जी, एम जी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी. इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? आर बाई टू आ गया. तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एम जी इन टू आर बाई टू लिखिए, और टॉर्क इज इक्वल टू एम जी बाई टू. और हम लोग जानते हैं आर का फॉर्मूला, यस वी नो. सो आर कितना होता है? सो आर होता है यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी. ये फॉर्मूला होता है रेंज का. तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे हम लोग. सो ये हो गया आपका यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी. कैंसिल कीजिए, तो इस केस में टॉर्क कितना हो गया? यू स्क्वायर एम साइन ट्वाइस थीटा बाई टू, ये टॉर्क हो गया. ये टॉर्क कहाँ पे निकला? तो मैक्सिमम हाइट पे टॉर्क आ गया एम जी की वजह से, इस पॉइंट के अबाउट आया. ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब ये प्रोजेक्टाइल का कोलिजन हो रहा होगा उस टाइम पर टॉर्क किधर लग रहा होगा. तो यहाँ पर देखिए, सो इस टाइम पर भी एम जी इस डायरेक्शन में होगा ऑफकोर्स. सो एम जी का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी. अब इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी का इस पॉइंट से पटन को डिस्टेंस मेजर कर लीजिए. तो इस वाले केस में जो डिस्टेंस आ रहा होगा, लेट सपोज इस वाले केस में जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से मेजर करेंगे. तो ये डिस्टेंस आ गया आपका टोटल रेंज आ गया, है ना. ये डिस्टेंस टोटल कितना आ गया? रेंज आ गया. एंगल कितना बनाइए? 90 डिग्री है. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इस वाले केस में कि टॉर्क इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू. अगेन देखिए, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है ना, तो कोलिजन के टाइम पर mg क्या वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन. ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मिला? आर मिला. तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एम जी इन टू आर, ऐसे लिख दीजिए. सो यहाँ से लिखेंगे टी इज इक्वल टू एम जी इन टू यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी. कैंसिल कीजिए, सो ये हो गया आपका एम यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा. इस केस में टॉर्क इतना लगा. सो हमने अभी देखा, हमने सीखा कि एम जी की वजह से टॉर्क कितना लगता है इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो अगर सपोज अब हम देखेंगे कि अगर फोर्स कंपोनेंट के फॉर्म में अवेलेबल हो और पोजिशन वेक्टर भी कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, तो टॉर्क किस तरह से निकाला जाता है? तो यहां पर लेट सपोज फोर्स इज गिवन, फोर्स दिया हुआ इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, दिस इज अवेलेबल, यस ये दिया हुआ है. और अवेलेबल है जो पोजीशन वेक्टर है, ये भी कंपोनेंट में दिया हुआ है, एक्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये भी अवेलेबल है. तो इस केस में पार्टिकल पे टॉर्क क्या होगा? तो क्या लिखेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, है ना. डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे. तो फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? सो क्रॉस प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है, आई जे कैप के कैप, ऐसे लिख दीजिए. और यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाई जेड, और यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड. तो इसको आपको याद रखना है कि अगर फोर्स और पोजिशन वैक्टर, अगर फोर्स और पोजिशन वैक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में अवेलेबल हो, तो हम लोग टॉर्क इस फॉर्म में लिख सकते हैं. आपको याद रखना है. सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑन टॉर्क, लेट सपोज नेक्स्ट एग्जांपल ऑन टॉर्क कि एक सिंपल पेंडुलम अवेलेबल है, सिंपल पेंडुलम इज अवेलेबल, है ना. एक सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है,
है ना, ये अवेलेबल है एक सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम इज गिवन, एम इज द मास ऑफ द पेंडुलम, और ये जो पेंडुलम है इस पॉइंट पे फिक्स है. एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एम इज द मास, और ये एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा है ना. ये हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ओ. अब देखिए यहां पे हम लोग से पूछा गया है कि अगेन mg की वजह से क्या पूछा गया है, क्या समझना है, फाइंड टॉर्क अबाउट ओ, है ना, अबाउट ओ ड्यू टू mg एंड टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग. यह हमसे पूछा गया, तो हम लोग सीखेंगे कि भाई इस केस में, सिंपल पेंडुलम के केस में किस तरह से टॉर्क निकाला जाता है mg का और टेंशन का. तो यहाँ पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लें, फ्री बॉडी डायग्राम देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम में. सो mg ऑब्वियसली mg का डायरेक्शन तो ये होगा mg, है ना. तो यहाँ पे mg का डायरेक्शन ये होगा mg, और इस mg का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा, ये जो mg है ना इसका इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना होगा. तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो mg है इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे. तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg, mg का लाइन ऑफ एक्शन बना दीजिए. अब इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क निकाले, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मेजर करना है. तो ये हो गया 90 डिग्री, मतलब हमको ये निकालना है, ठीक है. इसका मतलब निकालने का तरीका क्या है कि इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे यार, और यहाँ पे ऑब्वियसली हो जाएगा आर परपेंडिकुलर इज एल साइन थीटा, हो गया ये चीज. तो यहाँ पे एम जी की वजह से लिखेंगे ना, इस एम जी के वजह से कितना टॉर्क लगा. तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस एम जी की वजह से जो टॉर्क लगा, एम जी इंटू एल साइन थीटा. तो इसको आप याद रखना है, इस एम जी की वजह से इतना टॉर्क लग रहा है. ये तो हो गया मैग्नीट्यूड. अब हम देखेंगे ये जो टॉर्क लगा इसका डायरेक्शन क्या होगा. सो डायरेक्शन निकालने का जो तरीका है, अगेन द पोजिशन वैक्टर, हम पोजिशन वैक्टर को एक्सटेंड करेंगे. ये हो गया पोजिशन वैक्टर, ये हो गया mg. इसका मतलब हमको जो राइट हैंड है उसको घुमाना होगा, कहां से कहां घुमाना होगा. सो r से लेके f घुमाना होगा, इस डायरेक्शन में जाना होगा. इसका मतलब जो सेंस ऑफ रोटेशन बना, सेंस ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन ये बना इस डायरेक्शन में. तो ये सेंस क्या बता रहा है, ये सेंस बता रहा है एंटी क्लॉक वाइज, है ना. mg की वजह से जो सेंस ऑफ रोटेशन बनेगा उसका सेंस यहां पे क्या बना, एंटी क्लॉक वाइज. इसका मतलब इस केस में जो टॉर्क बना इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड होगा, या आप इसको लिख सकते हैं के कैप, बाहर की तरफ होगा. क्योंकि ये कौन सा प्लेन माना गया, ये एक्स वाई प्लेन माना गया है, ठीक है. अब हम सेकेंड केस देखेंगे कि टेंशन का कितना टॉर्क होगा. हाँ भाई, ये जो टेंशन लग रहा है इसका टॉर्क कितना होगा. सो देखिए टेंशन यहां पर प्लॉट कर लीजिए, ये हो गया टी बना दीजिए, ठीक है. अब ये जो टेंशन है इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसको कंप्लीट कीजिए. तो लाइन ऑफ एक्शन देखने को मिला, ये तो भाई यहीं से पास कर गया, ये तो ओरिजिन से पास कर गया. इसका मतलब यहां पे लिखेंगे जो टेंशन है इसके वजह से कोई टॉर्क नहीं बना. क्यों नहीं बना फिर से, क्योंकि टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास कर गया, ओरिजिन से पास कर गया. सो लाइन ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टी पासेस थ्रू ओ से पास कर गया. सो टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा. सो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया इस केस में. नाउ सेकेंड कंसेप्ट, अब सेकेंड कंसेप्ट पे आएंगे, सेकेंड पार्ट पे आएंगे कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगेन ओ ए के अबाउट टॉर्क निकालना है, अच्छे से समझ लीजिए कि अगेन वी हैव टू फाइंड टॉर्क ऑफ एम जी एंड टेंशन अबाउट ओ ए, है ना. देखिए दोनों में फर्क है, ये पॉइंट है, ये क्या है, ये एक्सिस है, दोनों में इतना डिफरेंस है. तो यहां पर निकालेंगे ड्यू टू इस लाइन के अबाउट एम जी एंड टेंशन क्या होगा. इस वाले केस में हम लोगों को देखना है इस लाइन के अबाउट टॉर्क कितना होगा एम जी का. तो यहां पर देखिए एम जी का जो टॉर्क है ना, ये जो एम जी है, एम जी का जो टॉर्क है, उस टॉर्क का डायरेक्शन क्या आया यहाँ पे, टॉर्क एम जी का जो डायरेक्शन आ रहा है यहाँ पे, ये हो गया ना के कैप. के कैप इज अवेलेबल, है ना, ये जो अवेलेबल है के कैप, इसका मतलब एम जी का टॉर्क आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ वेक्टर है. अब ये जो टॉर्क है एम जी का, इस टॉर्क का कंपोनेंट क्या होगा इस लाइन के अलॉन्ग. तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एम जी है और ये जो लाइन है इसके बीच कितना एंगल बना. सो दोनों के बीच 90 डिग्री बनता है,
इसका मतलब कि अगर एम जी का कंपोनेंट लिखे टॉर्क का इस लाइन के अबाउट होगा तो क्या लिखेंगे, टॉर्क एम जी इंटू कॉस 90 डिग्री। यस, तो यहां पे कितना कंपोनेंट बना, तो आंसर होगा 0 टॉर्क। इस एम जी का कोई भी टॉर्क नहीं बनेगा अबाउट दिस लाइन ओ ए, इस लाइन के लॉन्ग टॉर्क नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों को टेंशन देखना है कि टेंशन की वजह से इस लाइन के अबाउट कितना होगा, इस लाइन के अबाउट टेंशन का क्या होगा। ये किसका था, ये तो एम जी का था ना। अब इस टेंशन का देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो टेंशन है, इस टेंशन का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 था। अगर टेंशन का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 है, इसका मतलब कि इसका जो कंपोनेंट अगर लिखना चाहेंगे आप, तो क्या लिखेंगे, टी कॉस कंपोनेंट। सो यहां पे जो कंपोनेंट होगा, सो टॉर्क ड्यू टू टेंशन इनटू कॉस थीटा, लेकिन यही 0 है। सो 0 का कंपोनेंट क्या होगा, 0 इनटू समथिंग 0, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 0 आएगा। सो ये दोनों केस क्लियर होंगे कि टेंशन के वजह से भी जो टॉर्क लगेगा अबाउट दिस लाइन, है ना, इस लाइन के अबाउट टेंशन के वजह से टॉर्क कितना बनेगा, आंसर 0 बनेगा, क्योंकि 0 का कोई कंपोनेंट नहीं होता है इस लाइन के अलोंग। ठीक है, तो ये सवाल एकदम क्लियर हो चुका होगा। सो नेक्स्ट एग्जांपल पे और अच्छे से समझना है यहां पर हम लोगों को। सो लेट सपोज ए रॉड इज गिवन, एक यूनिफॉर्म रॉड अवेलेबल है, है ना, एक यूनिफॉर्म रॉड इस तरह से अवेलेबल है जो बड़े आराम से रेस्ट कर रहा है, बहुत ही आराम से, जैसे आप लोग रेस्ट करते हैं ना, रेस्ट कर रहा है। तो ये आपका रॉड हो गया, यहां पर लिखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी। सो ये रॉड है, तो यहां पे लिख दिया जाए ए बी, क्या हो गया, ए बी इज द रॉड, लेंथ कितना हो गया, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और यस एम इज द मास ऑफ रॉड, एम इज द मास ऑफ रॉड, इस रॉड का लेंथ एल, एम मास है, और ये जो रॉड है ये रेस्ट में है, रॉड इज एट रेस्ट, रॉड रेस्ट में। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, है ना, ये हो गया मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, और क्या क्या अवेलेबल है, ये अवेलेबल है कि ये जो सरफेस दिख रहा है ना, ये जो सरफेस है हॉरिजॉन्टल, इसका नेचर रफ है, और ये जो वर्टिकल वॉल है ना, इसका नेचर है स्मूथ, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा इस सरफेस पे दिया हुआ है। ठीक है, और फोर्सेस अवेलेबल है, कौन कौन सा फोर्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे जो नॉर्मल लग रहा होगा ये दिया हुआ है ना, ये हो गया एन ए, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और ये तो रेस्ट में है, इसका मतलब फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये भी दिया हुआ है, ये अवेलेबल है। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियस बात है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एम जी लगेगा, एम जी इज गिवन, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स हो गया आपका एन बी फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि टॉर्क ड्यू टू ऑल फोर्सेस अबाउट ए, ये समझना है, इस रॉड पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सभी के वजह से इस पॉइंट ए के अबाउट कितना टॉर्क होगा, वन बाय वन हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि टॉर्क ड्यू टू एन ए कितना होगा, एन ए की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे रिकॉल करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फिर से रिकॉल किया जाए, फॉर्मूला होता है आर परपेंडिकुलर इन टू एफ, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। तो हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, फिर उसका लाइन बनाएंगे, देन वी मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट और गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखिए यहाँ पे, सो ये जो एन ए अवेलेबल है, अब इस एन ए का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो आंसर 0 है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि ये जो एन ए लग रहा है ये कहाँ से पास कर गया, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एन ए पासेस थ्रू दिस पॉइंट। अगर कोई फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास कर जाए तो उसके अबाउट टॉर्क 0 होता है, तो इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, है ना, इस पॉइंट के अबाउट 0 होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू एन ए 0,
जीरो लिख दीजिए। सेकेंड थिंग, अब हम लोग फ्रिक्शन पे आएंगे, लेकिन फ्रिक्शन का भी लाइन ऑफ एक्शन क्या हुआ, फ्रिक्शन का भी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास कर गया, तो अगेन जो फ्रिक्शन है इसके वजह से भी टॉर्क जीरो होगा। फिर से क्यों जीरो होगा, रीजन क्या है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू पॉइंट, उस पॉइंट से पास कर गया पॉइंट ए से, सो कितना होगा टॉर्क, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को यहां पे देखना है कि एम जी की वजह से क्या टॉर्क होगा। सो एम जी का लाइन ऑफ एक्शन बना दीजिए। सो लेट सपोज एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया, एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ये बना दीजिए, और यहां पे हम लोग खोजेंगे ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी का इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दिख रहा होगा ये डिस्टेंस हो जाएगा हम लोगों का। सो ये नोटिस करेंगे यहां पे ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कितना है एल बाई टू है, और ये भी कितना है एल बाई टू, और ये एंगल कितना हो गया थीटा हो गया, है ना, एंगल इज अवेलेबल, है ना, एंगल दिया हुआ है, ये एंगल कितना है थीटा इज गिवन। तो यहां पे हम लोग नोटिस करेंगे ये जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो गया एम जी का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सो एम जी का जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल बाई टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि एम जी की वजह से जो टॉर्क बना, टॉर्क जी टू एम जी इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे एम जी एल बाई टू कॉस थीटा, ये बन गया। तो अब कौन सा फोर्स की वजह से टॉर्क बचा हुआ है, एन बी की वजह से, तो यहां पे लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू एन बी क्या होगा, ये यहां पे देखना है। तो अगेन हम लोग एन बी के वजह से एन बी का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको यहां पे प्लॉट करेंगे, तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एन बी, एन बी का लाइन ऐसे प्लॉट कर दीजिए। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एन बी है इसका इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो ये डिस्टेंस दिख रहा होगा, डिस्टेंस अवेलेबल है ये डिस्टेंस, है ना, तो ये डिस्टेंस कितना होगा इस ट्रायंगल में, एल साइन थीटा हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो टॉर्क ड्यू टू एन बी इज एन बी इंटू एल साइन थीटा, इसको आपको याद रखना है, सो टॉर्क अवेलेबल हो गया। तो इस केस में हर एक फोर्स के वजह से किसी गिवन पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाला गया है। अगर आपको इसी तरह से पूछा इस पॉइंट के अबाउट हर एक फोर्स का टॉर्क क्या होगा, आप निकाल सकते हैं, है ना, इस पॉइंट के अबाउट जितने भी फोर्सेस हैं सभी के वजह से टॉर्क कितना होगा वह भी आप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या याद रखना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट। तो ये था कंसेप्ट ऑफ टॉर्क। तो यहां पर टॉर्क का कंसेप्ट बेसिकली खत्म हो रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।